परेशानी यह है कि प्रधानमंत्री हैं वो और देश का कोई रिलीजन नहीं है। क्या भारत का कोई रिलीजन है? क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई रिलीजन है? कोई रिलीजन नहीं है। प्रधानमंत्री जी अगर एक लॉफुल काम के लिए जा रहे, एक ऐसे काम के लिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ ठीक है होना चाहिए, तो उसमें असंवैधानिक या गलत क्या है? हमको इस बात का स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शन है क्योंकि भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है। भारत सरकार का कोई रिलीजन नहीं है, इस मुल्क का कोई रिलीजन नहीं है और प्रधानमंत्री इस मुल्क के तमाम लोगों की नुमाइंदगी करते हैं। कानून सम्मत है वह हो रही है, जो जन भावनाओं के सम्मत है वह हो रही है, जो श्रुति और आप्त प्रमाणों से सम्मत है वो हो रही है, 500 साल से जिसकी प्रतीक्षा हिंदू समाज। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। प्रधानमंत्री यकीनन हम जानते हैं कि उनका रिलीजन क्या है, कोई ऐसा नहीं कि नहीं जानता, मगर अब बहस से प्रधानमंत्री आप जाएंगे वहाँ पर, उससे ये गलत मैसेज जाएगा। सुप्रीम कोर्ट भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है, उसके द्वारा जो निर्णय होता है उसी का अनुपालन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय मुख्यमंत्री जी कराते हैं। ऐसी स्थिति में उस विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को है ही नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री के अयोध्या जाने को लेकर लगातार सियासत हो रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने भी सवाल खड़े किए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में शामिल होना उनके संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा, धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ होगा। ऐसे में सवाल ये कि क्या पूजा सो कम्युनल होए, क्या जिसने पूजा की वो सांप्रदायिक हो गया? ये रिपोर्ट, फिर चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में शामिल होंगे खुद AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी, लेकिन उससे पहले जुड़ गए हमारे साथ, स्वागत है आपका आज तक पर, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट। दो तोरने द्वार अवध में लडुआ बटे, मेरे राजा बने हैं राम। अवध में लडुआ बटे, मेरे राजा बने हैं राम। अवध में लडुआ बटे। पीएम मोदी 5 अगस्त को सुबह 11:30 बजे अयोध्या पहुंचेंगे, इसके बाद राम जन्मभूमि के लिए रवाना होंगे। भूमि पूजन के कार्यक्रम में साधु संतों समेत कुल 200 मेहमान शामिल होंगे। पीएम मोदी के इस 2 घंटे के कार्यक्रम में 1 घंटा उनका भाषण होगा। तीर्थ क्षेत्र जो न्यास बना हुआ है, उस न्यास के द्वारा सब कुछ बताया जाएगा। हम मंदिर निर्माण की दृष्टि से, भूमि पूजन की दृष्टि से, सरकार के नाते कोई सूचना नहीं दे सकते। हम लोग उसमें न्यास के माध्यम से, ट्रस्ट के माध्यम से बुलाने पर प्रधानमंत्री जी सहित जो लोगों को आमंत्रित किया होगा वो शामिल होंगे। बहुत ही निविदा के साथ, भविता के साथ पूरे परिसर में, जितना लंबा चौड़ा परिसर है उस परिसर में देवी भव्य राम मंदिर का निर्माण किया जाएगा। प्रधानमंत्री के इस दौरे की खबर के बाद से ही लेकिन सियासी बयानबाजी का विघ्न शुरू हो चुका है। पहले शरद पवार बोले, कुछ लोगों को लगता है कि राम मंदिर से कोरोना भाग जाएगा। फिर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने राम मंदिर के फैसले पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया कि भूमि पूजन में उस वक्त के चीफ जस्टिस रंजन गोगोई को जरूर बुलाया जाना चाहिए। फिर उद्धव ठाकरे ने सुझाव दिया कि ये कोरोना काल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ई भूमि पूजन हो। फिर सियासी जंग में संविधान की दुहाई लेकर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी आए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावित अयोध्या यात्रा का विरोध करते हुए कहा कि बतौर प्रधानमंत्री अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होना प्रधानमंत्री के संवैधानिक शपथ का उल्लंघन होगा। AIMIM अध्यक्ष ओवैसी ने कहा कि धर्मनिरपेक्षता संविधान के बुनियादी ढांचे का हिस्सा है। हम ये कभी नहीं भूलेंगे कि 400 सालों तक अयोध्या में बाबरी मस्जिद थी और उसे 1992 में ढा दिया गया। प्रधानमंत्री एक संविधान से जुड़े हुए हैं और उस संविधान का सेकुलरिज्म से, बेसिक स्ट्रक्चर से उसका ताल्लुक है, और अगर प्रधानमंत्री वहाँ पर जाएंगे बहसियत प्रधानमंत्री, तो यकीनन
कि एक मैसेज जाएगा कि प्रधानमंत्री एक बिलीफ को और एक फेथ को प्रमोट कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री को जाना है, इंडिविजुअल कैपेसिटी में जाए, उसका लाइव टेलीकास्ट ना कराएं। तो क्या प्रधानमंत्री का भूमि पूजन में जाना देश की धर्म निरपेक्षता पर खतरा है? भूमि पूजन का लाइव टेलीकास्ट क्या बहुसंख्यकों के तुष्टिकरण की राजनीति है, या ये आरोप खुद सांप्रदायिकता की बिसात बिछाता है? तो आइए राम मंदिर पर इस असदुद्दीन ओवैसी के नए रण पर चर्चा के लिए सीधे उन्हीं के पास चलते हैं जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। ओवैसी जी, स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला सवाल आपसे यही, धर्म निरपेक्षता के लिए खतरा आप कैसे देख रहे हैं? प्रधानमंत्री, अगर इतने लंबे वक्त तक एक फैसला रुका हुआ था, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, खुद सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर की भूमिका देखी थी ट्रस्ट बनाने में, फिर प्रधानमंत्री का जाना सेक्युलर इंडिया के खिलाफ कैसे? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपने इंट्रोडक्शन में कांग्रेस के जो लोकसभा में लीडर का जिक्र किया, एनसीपी के शरद पवार साहब का जिक्र किया और महाराष्ट्र सीएम का जिक्र किया जो शिवसेना से ताल्लुक है। मेरा मानना यह है कि तीनों पार्टियाँ, शरद पवार साहब तो उस वक्त कांग्रेस में ही थे, ये तीनों पार्टियाँ बाबरी मस्जिद की शहादत में बराबर की मुलविस हैं। बल्कि जब पूरे देश से अगर मिट्टी जा रही है तो मैं तो ट्रस्ट के लोगों से कहूंगा कि भैया जरा कांग्रेस के हर पॉलिटिकल ऑफिस से भी मिट्टी मंगा लीजिए, क्योंकि इन्होंने भी बड़ा रोल अदा किया बाबरी मस्जिद की डिमोलिशन में। और अब आपका जो अहम सवाल है, देखिए मैडम, आप जानते हैं कि 1966 से पहले राम जन्मभूमि का कोई मसला नहीं था। 66 में VSP बनी और 1989 में BJP ने पालमपुर रेजोल्यूशन पास किया, उसके बाद बाजाबता राम जन्मभूमि का मसला शुरू हुआ। बल्कि 84 में इंदिरा गांधी के कत्ल से पहले एक रथ यात्रा दिल्ली को आ रही थी, इसमें BJP और शिवसेना का बहुत बड़ा रोल रहा इसको एक इशू बनाने के लिए। और इसमें आप जानते हैं कि पूरे देश में हजारों की तादाद में लोगों की मौत हुई फसादात में। मेरा मानना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इस देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रधानमंत्री और उनकी सरकार का कोई मतलब नहीं हो सकता। इंडिविजुअली प्रधानमंत्री का रिलीजन हम जानते हैं, मगर क्या देश के गवर्नमेंट का कोई रिलीजन होगा? नहीं हो सकता, इसलिए संविधान इसकी इजाजत नहीं देता। अब जब प्रधानमंत्री वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे हैं? नंबर वन पैगाम ये दे रहे हैं कि हमारी पार्टी ने, विश्व हिंदू परिषद ने और BJP ने इस राम जन्मभूमि का आगाज किया, हमारी पार्टी ने शिलान्यास के नाम पर परमिशन लिया और बाबरी मस्जिद को शहीद किया, हमारी पार्टी ने अडवाणी की लीडरशिप में रथ यात्रा निकाली और जहां जहां रथ यात्रा गई वहां पर कम्युनल राइट हुआ। नंबर वन पॉइंट ये कि प्रधानमंत्री वहां अगर जाते हैं प्राइम मिनिस्टर तो पैगाम दे रहे हैं कि हमने अपनी पार्टी की आइडियोलॉजी जो शुरू की थी और उसमें हमने कामयाब हुए। अगर प्रधानमंत्री वहां पर जाते हैं बसते प्रधानमंत्री, तो मैं तो ये कहूंगा कि प्रधानमंत्री बन के नहीं जाएंगे, बल्कि वे कॉन्करर बन के जाएंगे। दूसरी बात यह है कि आप वहां पर जाकर क्या मैसेज देंगे? मैसेज ये देंगे कि मेरा जो रिलीजन है वो सबसे बड़ा है और प्रधानमंत्री अपने रिलीजन को, अपने बिलीफ को पूरे देश पर मुसल्लत नहीं कर सकते। इसीलिए मैंने कहा कि प्रधानमंत्री 6 साल में मेकशिफ्ट टेंपल पर नहीं गए। आपके सवाल में एक और पॉइंट था कि सुप्रीम कोर्ट ने एक स्कीम बनाई, यकीन है सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट है, उसके ताल्लुक से हमारी राय आप जानते हैं, मगर क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुला लो? क्या पता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा ना। इसीलिए अभी भी वक्त है कि प्रधानमंत्री, देश का सेकुलरिज्म कोई इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है कि 500 की 1000 की नोट मैंने मिटा दिया और इकोनॉमिक पॉलिसी को खत्म कर दिया। ये देश का सेकुलरिज्म देश की रूह से जुड़ा हुआ है। और एक बात समझिए आप कि 400 साल तक वहां पर मस्जिद थी और मेरा मानना यह है कि वहां पर मस्जिद आज भी है और कल भी रहेगी। तो इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि प्रधानमंत्री अगर बजिद है जाने के लिए तो वो प्राइम मिनिस्टर के रूप में ना जाए, कह दें कि मैं अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में जा रहा हूं। लेकिन जो आप खुद नहीं करते उसकी उम्मीद आप दूसरे लोगों से क्यों करते हैं? मेरे सवाल को गौर से सुनिएगा। आप कहते हैं कि प्रधानमंत्री अगर जाएंगे तो सेक्युलरिज्म की रूह के खिलाफ होगा, तो आप कौन सा सेक्युलरिज्म की रूह को कायम करते हैं? जब आप खुलकर मस्जिद के पक्ष में बोलते हैं तो क्या आप भी वही नहीं करते
क्या आप जब खुलकर मस्जिद के बारे में बोलते हैं और कहते हैं वही मस्जिद थी है रहेगी, मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताऊंगा कि 400 साल तक यहां पर बाबरी मस्जिद थी, तो क्या आप उस रूह के खिलाफ नहीं बोलते हैं वैसी साहब? नहीं, मैं जो कह रहा हूं वो तो हकीकत है ना। वो तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि डिस्ट्रक्शन ऑफ बाबरी मस्जिद नेशनल शेम। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उसमें मूर्तियां रखना उस मस्जिद के सैक्रिलेज को खराब करने के बराबर है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी ये तो नहीं कहा ना कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। मैं आपका सवाल का जवाब दे रहा हूं। हाँ। मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आप असदुद्दीन ओवैसी को देश के प्रधानमंत्री के बराबर कर दे रहे हैं। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है, प्राइम मिनिस्टर है इस देश के। प्राइम मिनिस्टर का कोई मजहब नहीं होता, ना उनकी सरकार का होता है। कह दे नरेंद्र मोदी, कह दे कि भाई मेरी सरकार का रिलीजन ये है और मैं इस रिलीजन को मानता हूं, तो आप खत्म कर दीजिए ना संविधान को। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने तो 6 दिसंबर को वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने 22 और 23 दिसंबर 1949 रात के अंधेरे में वहां पर किसी मस्जिद किसी के इबादतगाह में जाकर नमाज तो नहीं पढ़ी। ये तो फैक्ट है। हमने सुप्रीम कोर्ट को धोखा देकर वहां पर किसी की इबादतगाह को शहीद तो नहीं किया। मगर मैडम, अगर आप मुझे प्राइम मिनिस्टर के बराबर कर रहे हैं तो यह आपकी जर्रा नवाजी है, यह आपकी मैग्नानिमिटी है। मैं आपको सलाम करता हूं, आपने मुझे इतनी इज्जत दी। मैं तो सिर्फ आपके सवाल की ताकत को आंक रही हूं और इसीलिए यह सवाल दोबारा आपसे पूछ रही हूं। नैतिकता का तकाजा कहता है असदुद्दीन ओवैसी जी कि सवाल वो पूछे जो खुद उसको मानता हो। जब आप अपनी आस्था को सरेराह इस तरह से प्रशस्त तरीके से रख सकते हैं, कह सकते हैं कि मैं अपनी आने वाली पीढ़ियों को कहूंगा कि वहां पर बाबरी मस्जिद ही थी है और रहेगी, तो फिर ऐसे में आप नैतिकता के उस तकाजे पर कहां खड़े दिखाई देते हैं जब आप दूसरों से सवाल पूछते हैं कि ये तो मंदिर मंदिर करते रहते हैं। सवाल ये है। नहीं, आपका सवाल, मैं दोबारा आपने उसे सवाल किया, मैं फिर से और क्लैरिफाई करता हूं आपको। असदुद्दीन ओवैसी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अगर असदुद्दीन ओवैसी जो बात कह रहा है वो फैक्ट पर मुबन्नी है, आप देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स में और जितने फैक्ट्स हुए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया तो नरेंद्र मोदी है। अगर कहीं गलती से असदुद्दीन ओवैसी कभी प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेगा, ना मेरी उम्मीद है ना मेरा ख्वाब है, मगर प्राइम मिनिस्टर का आप तकाबुल कर रहे हैं एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, यह बहुत गलत है। इसलिए कि मैं देश का प्राइम मिनिस्टर नहीं हूं। देश का प्राइम मिनिस्टर देश के तमाम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई आदिवासी दलित और जो मजहब को नहीं मानते उनका प्राइम मिनिस्टर है। वो मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर इन तमाम दिसंबर 22 23 के 49 के वाकयात हुए, 86 में ताले खोले गए, मुसलमानों को बोलने की इजाजत नहीं दी गई, 6 दिसंबर को मस्जिद शहीद की गई और जिन पर मस्जिद डेमोलिशन का क्रिमिनल केस चल रहा है आप उनको बुला रहे हैं और खुद नरेंद्र मोदी उस बाबरी मस्जिद के उस राम मंदिर के स्ट्रगल में हिस्सा थे। आप बताइए आज प्राइम मिनिस्टर होकर वो देश को क्या पैगाम दे रहे हैं? क्या वो न्यूट्रलिटी का पैगाम दे रहे हैं? मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्राइम मिनिस्टर जाएंगे वहां पर वो एक कॉन्करर के रूप में जाएंगे। मैं आज भी प्राइम मिनिस्टर से अपील कर रहा हूं अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम के जरिए से। नहीं मालूम प्राइम मिनिस्टर आपका प्रोग्राम देखते नहीं देखते, मगर मैं आज भी कह रहा हूं कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ये सेकुलरिज्म के मफाद में नहीं है, ये सेकुलरिज्म हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी, जिस दिन अगर कोई मिनिस्टर भी खुदा ना खास्ता मैं बन जाऊंगा, जो कभी नहीं बनूंगा, आप सवाल कर लीजिए। मैं आज भी कह रहा हूं कि देश की किसी सरकार को किसी मजहब के रिलीजियस रिचुअल्स में एक पैसा भी खर्चना नहीं चाहिए, हमारा कोई हिस्सा उससे नहीं होना चाहिए। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये कहता है कि सरकार होगी वो रिलीजन से ऊपर होगी। रिलीजन सेलिब्रेट करिए, रिलीजन को मानिए, जो नहीं मानता उसको मानिए, मगर प्रधानमंत्री वहां पर जाकर जख्मों पर मरहम नहीं बल्कि और जख्मों में इजाफा कर रहे हैं। वो देश को जोड़ तो नहीं रहे, रहे बल्कि और वहां पर देश में और डिविजन पैदा कर रहे हैं। नहीं, जख्मों को तो आप कुरेद रहे हैं। जिस मामले पर देश में एक राय बन गई, क्या नए सिरे से उसे कुरेद नहीं रहे हैं? जब आप बाबरी मस्जिद का बार बार जिक्र करते हैं, जब आप सांप्रदायिकता माफ कीजिएगा आप धर्मनिरपेक्षता को खतरा बताते हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि आप सांप्रदायिकता फैला रहे हैं इस तरह की बातें करके,
पीएम तो हर जगह जाते रहे, वो काशी भी जाते रहे, वो केदारनाथ भी जाते रहे, हर जगह की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। इससे तो देश की धर्म निरपेक्षता को कोई खतरा नहीं हुआ, ना आपके मस्जिद जाने से, वहां की तस्वीरें दिखाने से खतरा होता है। नहीं, यकीनन प्रधानमंत्री सब जगह गए, मगर मुझे बता दीजिए कि बाबरी मस्जिद और राम मंदिर का जो इशू है, आप जितने अभी मजहबी जगहों की बातें की, क्या उनमें इस तरह का वॉयलेंस हुआ? क्या उसमें इस तरह का खून बहा मासूम हिंदुस्तानियों का? क्या उसमें इस तरह का फसाद हुआ? क्या उसमें इस तरह का सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स का धज्जियां उड़ाई गई? क्या उन जगहों पर इस तरह से बीजेपी और संघ परिवार के लोगों ने रात के अंधेरे में इस तरह से मस्जिद में घुसकर मूर्तियां रखी? हरगिज नहीं हुआ। इसकी हिस्ट्री है, इसका एक बैकग्राउंड है, और खुद प्रधानमंत्री उससे वाबस्ता रहे हैं। मैं आपसे एक ही सवाल कर रहा हूं कि प्रधानमंत्री मुख्तलिफ इबादतगाह को जा सकते हैं, क्यों नहीं जाना चाहिए? उनका मजहब है, उनकी इबादतगाह है, जाना चाहिए, मगर ऐसी जगह पर जाकर जहां पर उसका एक हिस्ट्री है, जहां पर उसका बैकग्राउंड है, प्रधानमंत्री क्या पैगाम दे रहे देश को? मेरा मानना है कि कोई भी सरकार हो, सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, हिस्ट्री तो हर जगह की होती है। जहां पर आप खड़े हैं वहां की भी हिस्ट्री है, जहां पर मैं मौजूद हूं उस दिल्ली की भी हिस्ट्री है। सवाल यह है कि धर्म निरपेक्षता क्या सिर्फ अभी तक जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी उसके जरिए साधी जाएगी, या हम देखते हैं तमाम लोग अपनी अपनी आस्था खुलकर व्यक्त कर रहे हैं, और इससे धर्म निरपेक्षता को कोई खतरा होता है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। आप क्यों चाहते हैं कि 2020 पर 92 हावी हो? 92 तो हमेशा हावी रहेगा ना, आपकी इतना नजर इतना हावी रहेगा कि आप देखेंगे कि आने वाले सालों में आप देखेंगे कि ज्ञानवापी और मथुरा का भी मसला छिड़ेगा, आप देखेंगे और बहुत से मसाजिद का मसला छिड़ेगा। आप ये क्यों भूल जा रहे हैं कि 92 किसने किया 92, बताइए मुझे आप, किसने सुप्रीम कोर्ट को ये वादा करके, वादे से मुकर के सारी दुनिया के सामने मस्जिद को शहीद किया? किसने किया बताइए आप? किसने 22 दिसंबर 1949 को आजादी मिलने के 2 साल के अरसे में रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी? किसने आधे घंटे की हियरिंग में 20 पेज का ऑर्डर दिया जहां पर मुसलमानों की सुनवाई नहीं हुई? आप बताइए ना, किसने किया ये? मैंने किया ये? कौन जिम्मेदार है इसका? देश किससे चलेगा? सर्वोच्च अदालत के फैसलों से को प्रधानमंत्री और दे रहे हैं। देश किससे चलेगा, सर्वोच्च अदालत के फैसलों से या ओवैसी जी की अदालत से? देश तो सर्वोच्च अदालत से चलेगा। ये सर्वोच्च अदालत को सामने रखना था कि किस कौन कसूरवार है। ये सर्वोच्च अदालत ने कहा कि ये जगह मंदिर के लिए दे दी जाए 2.77 एकड़, 5 एकड़ जमीन केंद्र और राज्य सरकार जो है वो कहीं और दे मुसलमानों को। ये देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि 1992 में जो हुआ वो एक आपराधिक घटना थी। ये सब सर्वोच्च अदालत कर रहा। अब देश तो सर्वोच्च अदालत के फैसलों से ही चलेगा ना वैसी जी? देखिए, देश की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया, वो हमारी आखिरी कोर्ट ऑफ अपील है, और मेरा मानना यह है कि वो फैसला सही फैसला नहीं था। मैं सुप्रीम कोर्ट की इज्जत करता हूं, जस्टिस जेएस वर्मा ने सही कहा था सुप्रीम कोर्ट के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है बट इनफेलेबल नहीं है। यही सुप्रीम कोर्ट ने एडीएम जबलपुर को 40 साल पहले सही कहा था, फिर यही सुप्रीम कोर्ट ने उसको गलत कहा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि ये गलत हो रहा है। क्या सुप्रीम कोर्ट फैसला आने के बाद भी प्रधानमंत्री का ये नहीं जानते कि बाबरी मस्जिद में पालनपुर का रेजोल्यूशन बीजेपी ने पास किया? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि आडवाणी की रथ यात्रा निकली थी? क्या प्रधानमंत्री नहीं जानते कि 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया? अरे ये सब हिस्ट्री का हिस्सा नहीं है, फैक्ट भी तो है ना मैडम। और सुप्रीम कोर्ट ने इस तमाम बातें की, क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री को बुलाइए? क्यों सुप्रीम कोर्ट को आप खामखा बीच में लाते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला दिया, हमने अपनी राय दी। ये प्रधानमंत्री का जाना, मुस्तकबिल में और भी ऐसे कई मजहबी इबादत गाहें हैं जहां पर संघ परिवार की नजरें आज भी हैं। इसीलिए बार बार उनका नारा यही था कि बाबरी एक झांकी है और भी कई बाकी है। ये होगा, सुप्रीम कोर्ट में अभी एक अर्जी दाखिल हो चुकी है, सुप्रीम कोर्ट ने उसका भी नोटिस नहीं लिया। वो कहते हैं कि 1991 रिलीजियस प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट को खत्म किया जाए। ये क्यों हो रहा है फिर? यही तो हम कह रहे हैं कि इससे देश को जोड़ने की बात नहीं कर रहे प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक कॉन्करर के रोल पे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री अपना मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स को देश पर थोप रहे हैं। देश के सेक्युलरिज्म के लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अपने ही देश में पीएम कॉन्करर कैसे हो गए? अगर
सर्वोच्च अदालत का फैसला है और वहां पीएम जा रहे हैं, वहां पर जाएंगे आप बाबर को कॉन्करर ना कहकर नरेंद्र मोदी को कॉन्करर क्यों कह रहे हैं? अगर प्राइम मिनिस्टर वहां पर बहसते प्राइम मिनिस्टर बन के जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर भी नहीं बनेंगे बल्कि कॉन्करर बन के जाएंगे, इसलिए कि वो बता रहे हैं उन लोगों को जो उनकी हिंदुत्व आइडियोलॉजीज को नहीं मानते कि देखो हमने कॉन्कर कर लिया, हमने कब्जा कर लिया, हमने कामयाबी हासिल कर ली, यही तो पैगाम जाएगा ना। और ये कोई जरूरी नहीं है कि आप जो कह रहे हैं कि मैं उसको मान लूं। सुप्रीम कोर्ट कब्जा थोड़ी कराता है जमीन पर, सुप्रीम कोर्ट का फैसला जमीन पर कब्जा थोड़ी कराता है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला अगर आप देखेंगे पढ़ेंगे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में यकीनन एपेक्स कोर्ट है, मगर हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मुतमईन नहीं है, मुत्तफिक नहीं है। मगर प्रधानमंत्री अगर वहां पर जाएंगे तो प्रधानमंत्री तो यकीनन बहसियत कॉन्करर बन के जाएंगे, वो पैगाम देंगे उन तमाम मुसलमानों को जो इस देश के अव्वल दर्जे के शहरी हैं, वो पैगाम देंगे उस देश के उन तमाम हिंदुओं को जो आज भी इस देश के सेकुलरिज्म को गांधी के और अंबेडकर के पैगाम को मानते हैं कि देखो जो चीज हमने 1989 में शुरू की थी आज हमने उसको कामयाबी हासिल कर ली, यही एक तल्ख रियलिटी होगी, यही एक पैगाम पूरे देश को जाएगा। सर यही दिक्कत है क्या आपकी कि नरेंद्र मोदी की वो छवि जो है वो और भी बड़ी होगी, वो बीजेपी को और भी इससे फायदा होगा? नहीं, मेरी परेशानी संविधान है मैडम, मैं संविधान को बचाना चाह रहा हूं, मेरी परेशानी संविधान से, जिस तरीके से देश चल रहा है ना, तो संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। 92 में जो हुआ वो तमाम ने देखा, रूल ऑफ लॉ कमजोर हो गया, क्या क्या चीजें नहीं हुई है, इसीलिए मुझे संविधान की फिक्र है, मुझे संविधान की हिफाजत करना है। जब मैं बहसियत एमपी संविधान पर अल्लाह के नाम पर ओथ लेता हूं तो मुझे जरूरी है कि मैं संविधान की हिफाजत करने के लिए नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर बोल रहा हूं तो बोलना पड़ेगा। अगर कोई नहीं बोलता है तो वो उनका जमीर उनको अगर गवारा करता है तो वो जाने, मगर मेरा जमीर मुझको गवारा नहीं करता कि मैं खामोश बैठा रहूं कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसीलिए मैं आवाज बुलंद कर रहा हूं और मुझे यकीन है कि देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा मेरी आवाज को तायीद करेगा। वो सामने आकर नहीं कहेगा मगर दिली दिल में वो जानते हैं कि जो असदुद्दीन ओवैसी कह रहा है वो सच कह रहा है। सर आपने वैसे इंटरव्यू के लिए टाइम दिया था हमें, लेकिन अगर आपकी इजाजत हो तो सांसद हैं सुधांशु त्रिवेदी जी, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और आपकी बात का जवाब देना चाहते हैं, उनकी एक बात का आप जवाब दे दीजिएगा। फिर मैडम मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे जिलहज का रोजे रख रहा हूं, मुझे रोजा खोलना है, इसलिए बेहद माफी चाहता हूं। मैं सुधांशु जी बड़े काबिल, बल्कि बीजेपी में एक ही काबिल पढ़ा लिखा आदमी है, मैंने कई मरतबा उनसे डिबेट किया, मगर मैं आपसे माजरत चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं जा रहा हूं, बल्कि पहले ही मैंने आपको आपसे कहा था कि मुझे 6:20 को जाने दीजिए क्योंकि मुझे रोजा है, रोजा खोलना है, इसलिए मैं इजाजत चाहता हूं। फिर कभी इंशाल्लाह जिंदगी बाकी रही तो अंजना ओम कश्यप के प्रोग्राम पे सुधांशु जी से जरूर डिबेट होगी, बहस होगी। ठीक है, एक सवाल मेरा है जो जाने से पहले आपके और सुधांशु जी की बात बाद में होगी, मैं लूंगी सर आपसे। सर आप कहते हैं कि मैं देश की संसद में अल्लाह के नाम पर जी अपना ओथ लेता हूं, आप अपने फेथ को, अपने आस्था को देश की सबसे बड़ी जगह जो पावर हाउस है, संसद है इस देश की, वहां पर आप ला सकते हैं, वो कम्युनल नहीं होता, लेकिन अगर प्रधानमंत्री अयोध्या चले जाए राम मंदिर के लिए तो वो कम्युनल हो जाता है, ये कितने लोग स्वीकारेंगे? मैडम बहुत आसान जवाब है इसका, क्या असदुद्दीन ओवैसी दीन इस्लाम को किसी पर मुसल्लत कर रहा है, फोर्स कर रहा है कि यही मेजोरिटेरियन सही रिलीजन है, इसको मानना पड़ेगा? क्या मैंने ऐसा किया? नहीं किया मैंने। अगर अल्लाह के नाम पर पार्लियामेंट में बहसत मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ओथ लिया क्योंकि लॉ में इजाजत है उसकी, प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि मेरा बिलीफ सबसे बड़ा है ये और मैं उस बिलीफ को सब पर मुसल्लत करूंगा, इम्पोज करूंगा। सर उन्होंने एक बयान नहीं दिया अभी तक अयोध्या पर, एक बयान नहीं दिया है। सुनिए मैं आपकी मेमोरी को ताजा कर देता हूं। 2014 में मैं पार्लियामेंट में बैठा था, प्रधानमंत्री बहसते, प्रधानमंत्री पहली स्पीच देते हैं और देश की सबसे बड़ी पंचायत में खड़े होकर कहते हैं
कि 1200 साल की गुलामी के बाद हमको सत्ता मिली है। बताइए मैं क्या सोचूं, मुझे तो मालूम है कि 200 साल के अंग्रेजों की गुलामी गुलामी थी, 1200 साल की गुलामी के बाद सत्ता मिली। वो देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के संविधान पर ओथ लेकर आता है, ये जुमला कहा? अब आप बताइए प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? प्रधानमंत्री कोई मिठाई बांट रहे थे? प्रधानमंत्री सरेआम कह रहे थे कि अब यहां से हम अपनी हिंदुत्व की आइडियोलॉजी को सबसे बड़ा समझते हैं और इसको इम्पोज करेंगे सब पर। ये एक मिसाल दे रहा हूं आपसे। मैडम मुझे इजाजत दीजिए, एक सवाल। नहीं सर, मैं इजाजत दे रही हूं। एक सवाल आपके सवाल से आ गया है, आप मुगलों को आक्रांता नहीं मानते, आप नहीं मानते कि वो इन्वेडर्स थे, उन्होंने हिंदुस्तान में जो कुछ किया वो लूटपाट से लेकर हर चीज, ऐसा नहीं है? ये इतिहास है कि कई उनमें से ऐसे मुगल राजा थे जिन्होंने यहाँ के लोगों को स्वीकारा, लेकिन ऐसा भी इतिहास है कि उनमें से कई आक्रांता थे, उन्होंने मंदिरों को तोड़ा, उन्होंने लोगों के साथ बुरा व्यवहार किया। उस इतिहास पर आप आंख मूंद लेना चाहते हैं वैसी जी? मैडम मैं आपको जो है ना, जो पहली कॉन्स्टिट्यूशन की किताब बनाई गई थी, इंशाअल्लाह ताला मैं जरूर एक तोहफे के तौर पर आपको दूंगा मैं, और उसमें आप देखिए कि उसमें हर एक का पीरियड लिखा हुआ है। जो संविधान बनाने वाले थे, जो हमारे और आपसे ज्यादा अकलमंद थे, होशियार थे, वो लिखते हैं। और तकलीफ फिर किसकी होती है? यकीनन हर किंगडम में अच्छे और बुरे लोग थे और रहेंगे। मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आप बुद्धिस्ट की किताब पढ़ेंगे तो बुद्धिस्ट लिखते हैं बड़े बड़े हिस्टोरियन के उनके बोध के मंदिरों को तोड़ा गया, उनकी इबादतगाहों कौन तोड़े, जैन की इमारतों को तोड़ा गया। मैडम मेरी आपसे एक ही गुजारिश है कि जो लोग इस तरह का सवाल आपके जरिए से मुझसे कर रहे हैं, भाई साहब 1947 में देश को आजादी मिली, इस देश की आजादी में सबने हिस्सा लिया और हमने अपने आप को एक संविधान दिया जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, और वो संविधान किसी मजहब को नहीं मानता, वो संविधान तमाम मजहब को सेलिब्रेट करता है। अगर तारीख में आप जाना चाहेंगे तो यकीनन सबने बुरा किया। अब तो ताजमहल को मंदिर कह रहे हैं, बताइए अंजना ओम कश्यप आप क्या कहेंगे उसके बारे में? इसीलिए मैंने आपके प्रोग्राम में कहा था कि यह शुरुआत है, जैसा कि शायर ने कहा था कि लम्हों ने खता की, सदियों ने सजा पाई। चलिए ठीक है, जिस दिन लाइव प्रसारण होगा खोट पान निकालने के लिए ही सही, लाइव प्रसारण देखिएगा। अब मैडम हम तो एक तकलीफ के साथ देखेंगे कि उस जगह पर हमारी 400 साल तक मस्जिद थी, वहां पर कब्रस्तान भी था, कब्रस्तान के ऊपर आप ये काम कर रहे हैं, ये रिकॉर्ड में सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में देख लीजिए। मगर मैं आपसे वादा कर रहा हूं, देश से वादा कर रहा हूं कि जब तक ओवैसी जिंदा रहेगा ये बोलता रहेगा कि वंस अ मस्जिद ऑलवेज अ मस्जिद, बाबरी मस्जिद मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी, और बीजेपी और संघ परिवार ने 1992 में बाबरी मस्जिद को शहीद किया। अगर मस्जिद शहीद नहीं होती तो क्या 5 अगस्त का फंक्शन होता? ये हम कहते रहेंगे, ये हमारा जमहूरिया है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना पक्ष रखा, आपकी बातों पर दो टिप्पणी करते हुए आपसे धन्यवाद कहूंगी, क्योंकि कब्रिस्तान पर मस्जिद आप मानने को तैयार हैं, और इसी कोर्ट ने यह भी कहा कि जो स्ट्रक्चर नीचे पाया गया है वो इस्लामिक नहीं है। लेकिन ये तमाम फैक्ट्स हैं जिनको अपने अपने तरीके से तमाम पार्टियां, धन्यवाद आपका ओवैसी साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधांशु त्रिवेदी जी, आपने ओवैसी जी की बात को सुन लिया है, अब आप एक साथ उनकी तमाम बातों का जवाब दे सकते हैं, क्योंकि कम से कम जवाब वो सुनेंगे जरूर, हो सकता है आपकी बात का सीधा जवाब नहीं दें। उनका ये कहना है कि ये धर्म निरपेक्षता के खिलाफ होगा, प्रधानमंत्री के तौर पर जो नरेंद्र मोदी ने शपथ ली है उसके खिलाफ होगा राम मंदिर के भूमि पूजन में उनका जाना। सुधांशु जी देखिए, जब इस देश को धर्म निरपेक्ष होने की बात कही जाती है तो धर्म निरपेक्षता की शुरुआत कहां से है? भगवान राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की थी तो क्या उसको अपने में मिलाया था? नहीं। वहां कोई अपना डिप्टी बैठाया था? नहीं। वहां का धर्म परिवर्तन किया था? नहीं। बल्कि वहीं के एक व्यक्ति को बैठा कर कहा कि साहब आप रहिए, आप चलाइए, और वो धर्म और अधर्म का युद्ध था ना अंजना जी। परंतु जब रावण जमीन पर पड़ा हुआ था तो उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण को जाके भेजा कि ये अधर्म की तरफ है मगर इसके अंदर कुछ ज्ञान कुछ गुण है, जाओ इसके चरणों के पास खड़े होके गुरु के रूप में इससे सीख के आओ। यहां से सेक्युलरिज्म शुरू होता है कि जिसको जो तुम्हारे धर्म के विरुद्ध भी है उसके अंदर भी कोई क्वालिटी है तो उसको एक्सेप्ट किया, और इसी वजह से इंडिया दुनिया का एकमात्र देश है
जिसने ना आज तक किसी पे इन्वेजन किया, ना किसी का एनेक्सेशन किया, ना कभी कन्वर्जन किया। तो भगवान राम का मंदिर इस वर्ल्ड की जियोपॉलिटिक्स में, जबकि हम देख रहे हैं हमारे पड़ोस में ही एनेक्सेशन, इन्वेजन सब कुछ चल रहा है और दूसरी तरफ कन्वर्जन चल रहा है। ये मानवीय मूल्यों का सबसे बड़ा प्रतीक होगा जो ओवैसी साहब को समझ में नहीं आता और प्रधानमंत्री जी को इसलिए अवश्य जाना चाहिए। और दूसरा मैं उदाहरण देना चाहता हूं, वो बार बार बाबरी की बात करे, तभी टेक्निकल जवाब बाद में दूंगा। ये बताइए करने आया था, भजन करने आया था? अरे फरगना में उसके भाइयों ने मार मार के भगाया था, इसलिए भारत आया। और फिर कहां उसकी कब्र है? अफगानिस्तान में। यानी उसको अपने मुल्क में कोई कब्र भी नहीं मिली। तो एक वो बाबर की विरासत और दूसरी तरफ भगवान राम का वो प्रतीक कि भारत खड़ा रख के शासन कर रहे हैं। लेकिन सुधांशु जी वो तो सीना ठोक कर ये कह रहे हैं कि आने वाली पीढ़ियों को हम बताएंगे कि 400 साल तक यहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, 92 में ढा दिया इन लोगों ने। अब देखिए ये जो उन्होंने बात कही, मेरी बड़ी इच्छा थी कि उनको जवाब देता, और ये इतना बड़ा झूठ है कि 400 साल तक वहां मस्जिद थी। और जो इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने 1200 साल की गुलामी का, दोनों बातें कनेक्ट करके जवाब देता हूं। आपको पता है जितने वॉइसराय भारत में थे वो भारत के शासक नहीं कहलाते थे, वो ब्रिटेन के क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव कहलाते थे। उसी प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुस्लिम शासक हुए भारत में, उन्होंने बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया, उसके रिप्रेजेंटेटिव के रूप में शासन किया है। तो ये भी विदेशी शासन था, वो भी विदेशी शासन था। और अगर बाबर ने मस्जिद बनाई तो जब उसने बगदाद के खलीफा से खुतबा पढ़वाया तो तजुके बाबरी में लिखा कि मैंने मस्जिद बनवाई है। यानी भगवान राम का मंदिर तोड़ के बनवाने में सफल हो गया, कब्जा करने में, और उल्लेख ही नहीं किया उसने अपनी किताब में। बाबर नामा कोई उल्लेख नहीं, चलो भूल गए होंगे। तो उसके बेटे का हुमायूं नामा, कोई बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं। उसके बाद आ जाइए आईने अकबरी, कोई बाबरी मस्जिद का उल्लेख नहीं। और उस जमाने में फॉरेन ट्रेवलर आया विलियम फिंच, 1608 से 1611, कोई उसने अयोध्या में इस्लामिक इमारत का ही उल्लेख नहीं किया। वो तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ आया था भाई। उसके बाद आइए जहांगीर नामा, कोई उल्लेख नहीं। ये आ कहां से गई? औरंगजेब के काल के बाद जोधक डिफेंसर आता है 19th सेंचुरी में, 1800 के बाद, तब वहां वो कहता है कि एक हिस्सा है जिसपे हिंदू लोगों ने अपना संघर्ष करके किया हुआ है, एक हिस्सा है जिसको कि वो मस्जिद कहा जाता है, दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है। और इतनी टेक्निकली गलत बात कह के निकल गए ओवैसी जी कि 1966 में विश्व हिंदू परिषद बना, उसके बाद ये मुकदमा हुआ। जनाब ये मुकदमा मुस्लिम वक्फ बोर्ड ने 1961 में दिसंबर में, और क्यों किया? 1949 दिसंबर में वहां पर मूर्तियां प्रकट होने के बाद 12 साल का समय होता है मालिकाना हक पे कोर्ट में जाने का। 12 साल तक कोई समस्या नहीं थी, जब 10 दिन रह गए थे 12 साल पूरे होने में तब जाके मुकदमा किया। और उससे पहले अंग्रेजों के जमाने में 1885 का मुकदमा है, 1858 की FIR है। ये कैसे कह रहे हैं विश्व हिंदू परिषद 1966 के बाद शुरू हुई? भाई इस प्रकार के टेक्निकली गलत आंसर देना माहौल को खराब करने के लिए नहीं तो और क्या। मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस्लाम तो अमले रसूल है, अमले बादशाहत नहीं। ये बाबरी मस्जिद कहां से आई भाई? ये बादशाह का नाम मस्जिद पे किस लिए आया? इसका तो जवाब चाहिए ना। हमारे यहां तो कोई चौहानी मस्जिद और चंद्रगुप्त मौर्य मस्जिद, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य मंदिर या चौहानी मंदिर तो नहीं होता, भगवान का मंदिर होता है। और दूसरी बात, इन्होंने कहा जी वहां पर नमाज होती, पूछिए आखिरी बार कब हुई? 1937 में। उसके बाद ओकेजनली परमिशन थी, रेगुलर नमाज बंद कर दी गई जिस हिस्से में थी ब्रिटिश टाइम में ही। और फिर एक और बात आप समझ लीजिए कि यदि ये बात कहते हैं कि नमाज वहां कर ली तो हमारा हो गया, तो भाई उस तर्क से तो रेलवे प्लेटफॉर्मों पे हमने नमाज होते देखी है, पार्कों में नमाज होते देखी है, बाजारों में नमाज होते देखी है, सड़कों में नमाज होते, कल के दिन आप कह देंगे सब हो गया। और अंजना जी मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, कहां गए वो लोग जो कहते थे राम मंदिर पे म्यूजियम बना देना चाहिए? अब टर्की में हागिया सोफिया के म्यूजियम को मस्जिद बना दिया गया, सब चुप। काहे जी? इनसे पूछिए, तब तो कहते हैं म्यूजियम से पहले मस्जिद थी इसलिए दोबारा मस्जिद होनी चाहिए। और हम कहें जी मस्जिद से पहले मंदिर था और लगातार था। पेशवा बाजीराव बालाजी विश्वनाथ ने 1759 में लिखा, पेशवा माधवराव 1772, मिर्जा राजा जय सिंह 18वीं शताब्दी में, सब जगह मंदिर का उल्लेख। उसके बाद हमारे में नहीं होना चाहिए, गजब की बात है। ठीक है आसिम मकार जी, जवाब दीजिए। हागिया सोफिया मस्जिद नहीं होनी चाहिए, जो था वही रहना चाहिए।
तो मेरा यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी यदि जा रहे हैं तो वो अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि वर्तमान जियोपॉलिटिक्स में कोई कंट्री हाईएस्ट मॉरल वैल्यूज रखते हुए इन्वेजन किए बगैर पूरी दुनिया में एक आदर्श दे सकता है, वह राम मंदिर ही उसका प्रतीक हो। आसिम वकार साहब, देखिए मैंने पहले भी कहा, मैं अभी भी कह रहा हूँ, आप हमारे सदर साहब की बात समझ ही नहीं। प्रधानमंत्री जी जहां दिल चाहे जाए, प्रधानमंत्री जी धर्म से आते हैं, धर्म के सभी मंदिरों में जाए, मुसलमानों में जाए, गुरुद्वारों में जाए, यहाँ के ऊपर इसलिए मना किया जा रहा है, इसलिए हम लोग गुजारिश कर रहे हैं कि ये मामला अभी भी डेमोलिशन ऑफ बाबरी मस्जिद जो केस है वो अभी भी न्यायालय में है, उस पर फैसला नहीं आया। प्रधानमंत्री जी ने जो ओथ ली है, मैंने अभी अपने ट्वीट में उनकी ओथ डाली है, मैं गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार अपनी ही शपथ को फिर से सुन लीजिए कि आपने किस बात की शपथ ली है। बाबरी मस्जिद का केस अभी चल रहा है, जो दोषी है उनको सजा नहीं मिली है। अभी सुधांशु जी ने बहुत लंबा भाषण दिया, मैं पूरा सुनता रहा, मुझे बहुत काबिल आदमी लगते हैं ये, लेकिन ये घुमा से बहुत अच्छा है। आपने कहा कि वहां आपने कहा आप मुकदमा जीत गए, अच्छी बात है आप जीत गए। न्यायालय ने जो फैसला दिया, जस्टिस गोगोई साहब ने जो फैसला पढ़ा था उसमें उन्होंने ये लिखा था कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण हुआ। आप विवादित स्थल कहते हैं, जस्टिस गोगोई साहब ने ये साबित कर दिया, ये मान लिया कि वो विवादित नहीं था, उस फैसले में लिखा उन्होंने। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा है कि सन 1200 ईस्वी से और सन 1528 ईस्वी तक जमीन के ऊपर किसी भी तरह के किसी स्ट्रक्चर के कोई सबूत नहीं मिले हैं जिसको तोड़ा गया। अरे लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया ना वकार साहब, अब तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही देश चलेगा ना, कि आप लोगों की अलग अदालत लग रही है अब देश में। सवाल सिर्फ सिंपल है, जो मैंने वैसी साहब से भी पूछा, सर्वोच्च अदालत ने एक फैसला दिया, सर्वोच्च अदालत ने ही कहा कि 92 में जो हुआ वो गलत था, लेकिन अब फैसले से आगे बढ़ेंगे ना। सुनिए, मैं न्यायालय को सलाम करता हूँ, जस्टिस गोगोई साहब को सलाम करता हूँ, पांचों जजों को सलाम करता हूँ कि उन्होंने अपने फैसला देने के साथ साथ एक बात साफ कर दी कि इतने 100 साल तक जो झूठ फैलाया गया, विवादित मंदिर तोड़ के बनाया गया, न्यायालय ने साफ कर दिया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनाई गई। मैं आपके चैनल पर खुलेआम बोल रहा हूँ, न्यायालय का आदेश पढ़ रहा हूँ। ठीक है, उसी पर जवाब लेते हैं। मैं आदेश पढ़ रहा हूँ, आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, आपके चैनल में देखा मैंने। अरे सुनिए सर, अब आप बहुत देर बोल दिए सर, आप मेरी सुन लीजिए। आप सुधांशु जी, फिर मैं वकार साहब फौरन आऊंगी आपके पास, आपकी इस बात का जवाब दे लें, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि मंदिर वाली बात जो है आप उस पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि मंदिर का ढांचा नीचे नहीं मिला था, उस पर जवाब दे रहे हैं ना सुधांशु जी, फिर मैं फौरन आऊंगी। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, देयर इज नो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दैट बिफोर 1522 द मस्जिद वाज डिमोलिश्ड, मंदिर वाज डिमोलिश्ड, यानी पुरातात्विक साक्ष्य। जनाब मैं पूछना चाहता हूं, 1528 तो दूर है, 1992 में ढांचा गिरा, आर्कियोलॉजिकल एविडेंस दिखा दीजिए, जो कहिए वहां जाऊंगा। सारे के सारे लिटरेरी एविडेंस है, कॉरोबरेटिव एविडेंस है, फोटोए हैं। अगर आप फोटो किताब की मान्यता खत्म कर दें 200-400 साल के बाद, तो जमीन के नीचे कोई सबूत नहीं है कि वहां पे मस्जिद थी, बताइए हाँ या ना। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस कहा है, नो एविडेंस नहीं कहा। और 500 साल पहले के एविडेंसेस के लिए और भी टेक्नोलॉजी आगे आएगी तब आएगा, लिटरेरी एविडेंस आप मान नहीं रहे, तो हम भी अगर लिटरेरी एविडेंस मानने से मना करते तो 92 से पहले वहां पे कोई ढांचा था, प्रूव कर दीजिए। सुनिए सर, सर सुनिए, आप बाबर की लड़ाई लड़वाए, हम मस्जिद की लड़ाई लड़वाए, आप बाबर के विरोध में है, हम मस्जिद के पक्ष में है। अगर आपको बाबर से विरोध है, आप बाबर का नाम हटा देते, आप दूसरे नाम से मस्जिद दे देते, हम ले लेते। सर बाबर से हमें मोहब्बत नहीं है, हमें अपनी मस्जिद से मोहब्बत है। आपने भी सवाल उठाया, इतने राइटरों ने बाबर नामा में नहीं लिखा है, इसने नहीं लिखा, उस राइटर ने नहीं लिखा। सर मैं नाम ले रहा हूं तुलसीदास जी का, तुलसीदास जी ने अयोध्या में बैठकर रामायण का ट्रांसलेशन किया, लिखा उन्होंने। उन्होंने क्यों नहीं लिखा, उन्होंने अपनी किताब में क्यों नहीं लिखा कि वहां पर मुगलों ने मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई। एक ही सवाल पूछ रहा हूं आपसे, एक सवाल, अगर जवाब हो तो दे दीजिएगा। अभी आपने हागिया सोफिया का जिक्र किया, टर्की में है सर, हमें नहीं बोलना चाहिए था लेकिन बोले दे रहा हूं। हागिया सोफिया को अंग्रेजों ने बेच दिया था,
और बाबरी मस्जिद को मुसलमानों ने बेचा नहीं है। हागिया सोफिया बेचकर अंग्रेज भाग गए थे, लेकिन मुसलमान अपनी मस्जिद कभी ना बेची है, ना हम अपनी मस्जिद कभी बेच सकते हैं, ना कभी मस्जिद बेचेंगे। इसलिए आप अपनी बाबरी मस्जिद की बात करते हैं। देखिए असीम हकार साहब कह रहे हैं हमारा बाबरी से मतलब नहीं था, तो ये बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी क्या कर रही थी भाई? हम हटा देते, कहते मस्जिद एक्शन कमेटी रखते, अब तो हाय बाबर पूरा ही करते थे। बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और सुप्रीम कोर्ट ने सदैव उसे विवादित ढांचा आपको डिस्प्यूटेड सेक्शन कहा, मगर इन्होंने बाबरी मस्जिद कहा, कह के भावनाओं को भड़काया। और एक और बात मैं पूछना चाहता हूं, चलिए आपकी बात ही मान ली, दिसंबर 1949 से लेके दिसंबर 1992 तक तो वहां मूर्तियां रख के पूजा चल रही थी, बुतखाना था कि मस्जिद थी? बोलिए 43 साल तक वो मस्जिद थी, बोलिए हाँ या ना। मैं क्यों बोल दूं सर आपको इस बात के ऊपर मुकदमा नहीं बोलेंगे, आपका मजहब कहेगा वो नहीं बोलेंगे, नाम बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी रखेंगे और उसके बाद कहेंगे मैं बाबरी से मतलब नहीं। और दुनिया में इकलौती मस्जिद होगी जो किसी बादशाह के नाम पे? सर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने सैकड़ों हजारों आपने राइटर्स के नाम लिया, मैं कह रहा हूँ तुलसीदास जी ने क्यों नहीं लिखा अपनी किताब में कि वहां पर मंदिर को मस्जिद बनाई गई? जवाब दे दीजिए इस बात का। अरे भाई मैं आपको एक बात जवाब दूंगी, तुलसीदास जी का आप कोट करते, मैंने ये नहीं कहा कि वहां पर मंदिर नहीं तोड़ा गया, मंदिर तोड़ा गया मगर कब्जा नहीं हो गया था, वो आए उन्हें भागना मुसलसल वहां आए कब्जा नहीं रख पाए। आप कंटेंट की बलिदान की गाथा है मान्यवर, कुछ वाले अरे बोलिए ना, मैंने बोला तजुके बाबरी बाबर नामा जहांगीर नामा हुमायूं नामा आईने अकबरी, बोलो ना कहां लिखा भाई कि वहां मस्जिद थी? कोर्ट में तमाम डॉक्यूमेंट्री एविडेंस दिए जा चुके हैं, विदेशी ट्रेवलर्स के ट्रेवलॉग दिए जा चुके हैं जिन्होंने लिखा वहां पे पूजा अर्चना चलती। तुलसीदास जी कहां लिखा है वहां मंदिर? अरे तुलसीदास जी का जवाब हम देंगे, आप बाबर की बात करिए हिमाय, आप तो मुगलों के पक्की बात कर रहे हैं ना, बताइए ना किस मुगल बादशाह ने लिखा के बाद औरंगजेब के बाद से? औरंगजेब तो पहले का बताइए। सर हम तो और सुनिए, जोसेफ फेंटलर आया है 1818 300 साल पुराने स्ट्रक्चर नहीं बोल रहा है। बोलेंगे मैं भी बोलूंगा तो जवाब आवाज नहीं पहुंचेगी, या तो आप बोलिए फिर मैं चुप हो जाऊं, फिर मैं बोलूंगा आप बोल जाए। देखिए आप सर संबित पात्रा नहीं है, आप सुधांशी त्रिवेदी है, बहुत एहतराम है आपका। मैं आपसे कह रहा हूं जस्टिस गोगोई साहब ने यह बात लिखी कि सन 1200 से सन 1528 तक उस जमीन के ऊपर कोई स्ट्रक्चर नहीं था। जस्टिस गोगोई साहब ने अपने फैसले में कहा कि इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिला है कि किसी मंदिर को गिराकर मस्जिद का निर्माण किया गया। अब इस बात से आप इनकार करेंगे? अगर करते हैं तो आप हाँ बोलिए, बोलिए आप इस बात से इनकार करते हैं? अरे मैंने इसका जवाब दे दिया, आर्कियोलॉजिकल वर्ड लिखा है, आप गलत बोल रहे हैं, आर्कियोलॉजिकल प्रमाण नहीं है शब्द लिखा है, और आर्कियोलॉजिकल प्रमाण आप मानने में से पहले का नहीं दे सकते, ये मैंने बोला जवाब दे आप गलत बोल सर, आर्कियोलॉजिकल वर्ड लिखा है, ये नहीं आर्कियोलॉजिकल एविडेंस नहीं है, आप शब्द को खा गए बीच में। सर उन्होंने लिखा है ना बता रहा। अच्छा और दूसरी बात उन्होंने लिखा है कि अंडरग्राउंड जो खुदाई हुई है उस खुदाई में जो स्ट्रक्चर के अवशेष मिले हैं वो गैर इस्लामिक है। गैर इस्लामिक का मतलब ये नहीं होता है कि हिंदू टेंपल मिल गया, गैर इस्लामिक का मतलब होता है बौद्ध टेंपल भी मिल सकता है। ठीक है सुधांशु जी, इसका जवाब हम ब्रेक पे जाएंगे, जल्दी से सुधांशु जी। देखिए गैर इस्लामिक का मतलब चलती रहेगी, उन्होंने कहीं नहीं लिखा है। अभी ओवैसी साहब आपने अपना पॉइंट कह दिया, वो कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर नीचे था गैर इस्लामिक उसको कोर्ट ने कहा है। सुधांशु जी अरे भाई वो देखिए वो सब चलता रहेगा, अगर 72 खंभे निकल के आए वो मंदिर नहीं तोड़ क्या था, वो सब छोड़िए, वो तो के मोहम्मद की किताब पढ़ लीजिएगा समझ में आ जाएगा। मगर ओवैसी साहब अभी अंजना जी आपसे कह गए थे ना मैं किताब भेजूंगा आपको, अरे संविधान की मूल प्रतिलिपि को देखिए, फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर के ऊपर भगवान राम का चित्र बना है, इसलिए संवैधानिक है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का विजन था राम राज्य, उनकी समाधि पे हे राम लिखा है, इसलिए ये राष्ट्रपिता के विजन के अनुरूप है, भारत के जियो पॉलिटिकल एग्जाम्पल के अनुरूप है। और अगर दुनिया में कोई चाहे कि उसके परिवार में कितना सवाल होना चाहिए कि बाप बेटे के कहने के ऊपर चला जाए, बेटा बाप के कहने पे चला जाए छोड़ के, और भारत भाई खड़ाऊ रख के
के शासन करे, ये एग्जाम्पल। उस संविधान पर तो भगवान राम की भी तस्वीर है, और क्या उससे भी देश की धर्मनिरपेक्षता को खतरा खड़ा हो जाता है? कई सारे सवाल है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे, लौट रहे, देखते रहिए हल्ला। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओमकश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।